लेट्स सी, वेट करके देखते शायद क्लियर ऑफ हो जाए। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज है 21st एंड सुबह के बज रहे हैं 9:30 एंड आज है सोलर एक्लिप्स, सूर्य ग्रहण। तो अभी सूर्य ग्रहण के लिए तैयारियाँ कर रहे हैं, उसको बेसिकली आप नेकेड आई से नहीं देख सकते, तो उसके लिए हम बनाएंगे आज पेपर कैमरा। क्या बन रहा है ब्रेकफास्ट में आज? मैगी येपी। एंड इसमें क्या है? ओह काढ़ा, काढ़ा डेली पीना चाहिए सबको। तो अभी हम बनाएंगे पेपर कैमरा, उसके लिए चाहिए आपको एक पेपर, सीजर एंड स्केल। इसमें आएगा प्रोजेक्शन, ये ऊपर आएगा एंड देन इसमें आएगा प्रोजेक्शन सन का। बट अभी प्रॉब्लम ये है कि पूरा क्लाउडी हो रखा है, कोई भी क्लियर इमेज नहीं आ रही सन की। थोड़ी थोड़ी सी लाइट आने लगी है बट अभी भी कोई दिख नहीं रहा ऊपर की का है सन। सूरज देवता गायब हो चुके हैं एंड हमने बना के रखा हुआ ये कैसे चलेगा? ये इतनी मेहनत की है तो कैसे होएगा ये जब तक आओगे नहीं बाहर? यहाँ हमेशा ऐसा ही होता है, जब भी कोई सोलर एक्लिप्स या कुछ एक्लिप्स होना हो तो डेली में नहीं दिखेगा, हमेशा बारिश जैसा मौसम हो जाएगा एंड बादल आ जाएंगे एंड आपको कुछ नहीं दिखेगा। देख लो सारे बादल ही बादल है, सन दिख ही नहीं रहा, सूरज देवता तो गायब हो गए। और जो हमने बनाया था, ये जो बनाया था ये पूरा वेस्ट गया। लेट्स सी, वेट करके देखते शायद क्लियर ऑफ हो जाए। और मैं रेडी हो गया हूँ एंड अब मैं निकल रहा हूँ डेली एज यूजल अपना रूटीन है। एंड सोलर क्लिप्स तो दिखा नहीं, अभी भी क्लाउडी है बाहर, आप देखो पूरा क्लाउडी हो रखा है। एंड मुझे अच्छा, मुझे देख के बताओ कि मेरे में कुछ अपेयरेंस में आपको डिफरेंस दिख रहा है? कुछ ना कुछ चेंजेस मैं बताऊँगा नहीं, तो अगर आपको पता चल रहा है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाके बताओ कि क्या चेंजेस है। लेट्स सी लोग नोटिस कर पाते नहीं कर पाते, वैसे ईजी है, कुछ ज़्यादा है नहीं। आई थिंक अभी तक पता चल चुका होगा कि क्या चेंजेस है। तो मिलता हूँ मैं आपको, आप सबसे शाम को। देखो रोड पूरी खाली है, अब पता नहीं ये किसके वजह से, ये सूर्य ग्रहण सोलर इक्लिप्स के वजह से या वैसे ही नॉर्मली खाली है। वैसे आज संडे भी है तो हो सकता है उसके वजह से भी हो, बट मुझे लगता है कि काफ़ी लोगों ने कल बोला था एंड यहाँ पे लोग मानते भी है कि जब तक सोलर इक्लिप्स है, आई थिंक 1:30 या 2 बजे तक दिल्ली में, तब तक लोगों ने अवॉइड किया कि बाहर जाए एंड खाना खाना भी। काफ़ी लोगों ने तो सुबह ही ब्रेकफास्ट कर लिया था 9 बजे से पहले। ये नहीं मान सकते, इनको नहीं फ़र्क पड़ता कुछ, यहीं से क्रॉस करके आ गए। बट बहुत खाली है एंड क्लाउडी भी है जिसकी वजह से हमें कुछ नहीं दिखा। आप लोगों को कुछ पता चला अभी तक? तो कुछ पता लगा कि क्या चेंज है मेरे अपीयरेंस में? नहीं पता चला चलो गेस करते रहो, काफ़ी लोगों को पता चल चुका होगा, इतना कोई टफ नहीं है। तो बताओ मुझे कमेंट सेक्शन में कि क्या है। एंड आप लोगों को पता होगा कि आज इंटरनेशनल योगा डे है एंड सुबह से काफ़ी सेलिब्रिटीज़ एंड पॉलिटिशियंस सब अपने वीडियो शेयर कर रहे हैं। मैं बहुत ज़्यादा योगा फॉलो नहीं करता बट इस लॉकडाउन में, जब से लॉकडाउन हुआ है तो सब लोग घर पे अपना वर्कआउट कर रहे हैं, तो मैंने भी थोड़ा थोड़ा योगा किया, तो मुझे जो एक्सपीरियंस हुआ। एंड अगर आपको कोई भी ब्रीदिंग प्रॉब्लम है या कोई भी प्रॉब्लम है तो काफ़ी अच्छा हेल्प करता है। मैं बहुत ज़्यादा नहीं फॉलो किया इसलिए मैं बहुत ज़्यादा बता नहीं सकता, बट हाँ अब से मैं थोड़ा ज़्यादा फॉलो करने लग जाऊँगा। मैं कोशिश करूँगा कि मैं डेली कुछ ना कुछ करूँ, कोई ना कोई आसन करूँ, क्योंकि मुझे इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं है, देखते फॉलो करके कितना फॉलो हो जाए। एंड अगर आप लोगों को योगा या योगा से रिलेटेड कुछ भी चाहिए हो, स्पेशली योगा मैट चाहिए हो, यू कैन लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। जैसे मैंने आपको बताया मेरा स्टोर है दिल्ली में, तो ये एड्रेस है मेरे स्टोर का, तो यहाँ पर आपको योगा मैट्स मिल जाएंगे जो कि कुछ ऐसे से हैं। ये मैंने टी शर्ट मंगाई, मिंत्रा में सेल चल रही थी, लेट्स सी कैसी है। पहली बार मैंने शॉपिंग की है, जनरली मैं अपैरल या कपड़े ऑनलाइन मंगाता नहीं हूँ। आई थिंक कलर देखने में तो अच्छा लग रहा है, सो होपफुली साइज़ भी आ जाना चाहिए। चाय बन गई, चाय टाइम हो गया हमारा, अदरक वाली पीने का मन कर रहा है।
ये इलायची चाय एक तो आप रोज काढ़ा काढ़ा पिलाते रहते हो, 2 ग्लास काढ़ा लेके जाता हूँ, ऐसा लगता है पूरे गले तक भर गया काढ़ा। दिन भर टेस्ट आते रहते हैं काढ़े का ही। और ये देखो गोल्फ खेली जा रही है बच्चे को, अंकल अपने बेटे को आई थिंक सिखा रहे हैं। अभी शॉट मारेंगे, वाह क्या शॉट है, सही टाइम पास हो रहा है। आपका नीचे गार्ड ने दिया था। हाँ और अभी मैं बस बस नहा के आया हूँ, एंड आज यहाँ पे इतनी ज़्यादा ह्यूमिडिटी हो रखी है, बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी है। सुबह बारिश जैसा मौसम था, जैसे मैंने आपको दिखाया हमें सोलर इक्लिप्स नहीं दिख पाया, एंड अभी बहुत ह्यूमिडिटी। और आज रिचा भी नहीं है, रिचा अपनी गई भी है लेहोर में, एंड वो आज सुबह गई थी, अब उसको कल आना है। वो वहाँ से वीडियोज़ भेज रही है अपने होटल से, कुछ जला रही है वो। तो आज खुद मुझे व्लॉग करना था, थोड़ी डिफिकल्टी हुई बट कोई बात नहीं, ऐसी आदत डलेगी, हम भी बना सकते हैं वीडियो। तो अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। इस व्लॉग में कुछ ज़्यादा था नहीं, तो छोटा सा था, जो भी दिन में एक्टिविटीज़ की वो आपके साथ शेयर की मैंने। सोलर इक्लिप्स जो हमारा हो नहीं पाया, बहुत ज़्यादा प्लान था कि सोलर इक्लिप्स अच्छे से दिखाऊंगा, अगर दिखेगा तो रिफ्लेक्शन अगर दिख जाती, बट कोई बात नहीं। तो अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर करो, लाइक करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स फैमिली मेम्बर्स के साथ, एंड सब्सक्राइब करो। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब, बिकॉज दैट विल गिव अस मोटिवेशन टू क्रिएट मोर। सो मिलते हैं एक और व्लॉग में, नहीं कल मिलेंगे हम, जब रिचा आएगी तो उसको फिर से सरप्राइज देंगे।